अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ शकील अहमद और हमारी आज की क्लास का टॉपिक है ईद उल बकर यानी ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा पर हम कौन से अल्फाज यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पर इस मौके पर यूज़ होने वाले अल्फाज जो कि हम स्पेशली बोलते हैं उनको हमने आज की वीडियो में शामिल किया है। आइए देखते हैं कि हमारे पास कौन से अल्फाज हैं जो कि हम इस मौका पर यूज़ करते हैं। लेकिन इससे पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल ई डॉट इंग्लिश पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मौसूल कर सकें और आपकी इंग्लिश मज़ीद बेहतर हो सके। आइए देखते हैं कि हमारे पास इस मौका की मुनासबत से कौन से अल्फाज हैं। स्टूडेंट्स, पहला जो हमारे पास वर्ड है वो है फोडर, मीन्स चारा या सूखी घास। कैमल, ऊंट। क्लीवर, टोका, जैसे गोश्त वगैरह काटा जाता है इसे टोका भी कहते हैं और काते भी कहा जाता है, लेकिन टोका क्योंकि आमतौर पर यूज़ किया जाता है इसीलिए आप टोका ही लिखेंगे। कटिंग बोर्ड, तख्ता, इस तख्ते पर हम गोश्त रख के टोका से काटा जाता है उसको हम कहते हैं इंग्लिश में कटिंग बोर्ड और उर्दू में कहेंगे तख्ता। शीप, भेड़। स्वीट्स, मिठाई। इसी तरह वैसे तो गोश्त सर्व किया जाता है लेकिन कुछ हमारे ऐसे होते हैं मुसलमान भाई जो कि मिठाई भी सर्व करते हैं। वैसे तो ईद पे मिठाई ज़्यादातर जो हमारी ईद उल फितर होती है ईद उल फितर पे ज़्यादातर मिठाइयाँ सर्व की जाती हैं, लेकिन इस ईद पर भी कुछ लोग हैं जो मिठाई सर्व करते हैं, लिहाजा इसीलिए हमने मिठाई को भी इस क्लास में शामिल किया। थाई रान, रिब, पसली, रेम, दुम्बा, मिन्स, कीमा। स्लाटर, जबा करना। ट्राइप, ओजरी। हॉर्न्स, सींग। एम्ब्रेस, गले मिलना। मीट, गोश्त। वाइट अटायर, सफ़ेद लिबास। लिवर, कलेजी। बुच्चर, कसाई। कॉमरेट, याद में मनाना। प्रेयर मैट, जाए नमाज। डिजर्विंग, मुस्तहिक। रोजरी, तस्बीह। चॉप, टुकड़े करना। सेक्रीफाइस, कुर्बान करना। कैटल मार्केट, मवेशी मंडी। डिस्ट्रीब्यूट, तकसीम करना। ईद प्रेयर, ईद की नमाज। हाइड, खाल। ग्रीट, मुबारकबाद देना। ईद ऐब, चांद रात। स्प्लिन, तली। स्टैक, गोश्त या मछली का पारचा जो कि भूनने, तलने या पकाने के लिए बनाया हुआ होता है। स्टूडेंट्स, ये थे वो अल्फाज जो कि हम ईद उल बकर पर स्पेशली यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये अल्फाज आपकी नॉलेज में इजाफा करेंगे और इंग्लिश बोलते हुए आप इन तमाम अल्फाज को बआसानी बोल सकेंगे। क्योंकि ईद आने वाली है, कल ईद का दिन है, तो मेरी तरफ़ से तमाम मुसलमान भाइयों को ईद उल अज़हा मुबारक हो। ज़िंदगी का कोई पता नहीं कल क्या हो जाए, तो आज मेरी तरफ़ से तमाम मुसलमान भाइयों को बहुत बहुत ईद मुबारक। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।